क्या एनटीआर की एक्टिंग के दीवाने बने किंग खान? क्या ओवर कॉन्फिडेंस पड़ेगा उन पर भारी? क्या वो बिग बॉस होस्ट करने के बाद हुए हैं बहुत पॉपुलर? नमस्कार आदाब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीक्रात स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा द राइज जैसी तीनों फिल्मों ने साउथ इंडस्ट्री को पूरे भारत भर में दीवाना बना दिया है। जहां एक टाइम ऐसा था जब साउथ की फिल्म्स को कॉपी करके बनाया जाता था, वहीं आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में साउथ फिल्म्स का सपोर्ट लिया जा रहा है और उनमें से ही एक फिल्म होने वाली है एनटीआर 30। तो जैसा कि फिल्म के नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म में एनटीआर मेन लीड में नजर आएंगे। दोस्तों, बात करें इस फिल्म के टाइटल की तो ये टाइटल एनटीआर 30 पूरी तरह से कन्फर्म है। एज द नेम सजेस्ट, दोस्तों ये जूनियर एनटीआर की 30th फिल्म होने वाली है और साथ ही साथ ये फिल्म उनको एक बड़ी पोजीशन पर भी पहुंचाने वाली है। क्या आपको पता है, एक रिसेंट इंटरव्यू की माने तो बॉलीवुड के किंग खान और शाहरुख खान ने फिल्म RRR की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि फिल्म में उन्हें सबसे ज्यादा जूनियर एनटीआर की एक्टिंग पसंद आई, खास करके उनका पावरफुल एंड एनर्जेटिक डांस नातू नातू जो उन्होंने रामचरण के साथ किया था। दोस्तों, उनका कहना था कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर्स होने की वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री कभी भी डल नहीं हो सकती है। इन टाइप के एक्टर्स के साथ बहुत पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक वाइब्स आती हैं। दोस्तों, फर्दर एसआर के एडिट की वो एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक अच्छे होस्ट भी हैं। जब उन्होंने पॉपुलर शो यानी कि रियलिटी शो बिग बॉस को होस्ट किया था, जिसमें फैंस को हमेशा से ही उनका वेट रहता था, तो इसी के साथ ही एसआरके ने जूनियर एनटीआर को उनके आने वाली फिल्म एनटीआर 30 के लिए बेस्ट विशेस और ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। तो इसके साथ जूनियर एनटीआर की इतनी तारीफ, कहीं दोस्तों ऐसा ना हो कि वो हवा में आ जाए। बल दोस्तों, अगर अब बात करें फिल्म के साथ साथ फिल्म के लिए एक्ट्रेस की, तो काफी लंबे समय से मार्केट में काफी चर्चा की जा रही है। पहले की बात करें तो इसी के चलते कुछ र्यूमर सामने आ रही थी कि इस फिल्म में आलिया भट्ट जूनियर एनटीआर के साथ एक रोमांटिक बॉन्ड शेयर करती नजर आएंगी। लेकिन रिसेंट खबरों की माने तो आलिया भट्ट शायद एनटीआर 30 में अपनी न्यूली मैरिड लाइफ की वजह से काम नहीं करेंगी। बात करें फिल्म के खलनायक की, जब बात आती है खलनायक की तो अक्सर मुझे वो गाना याद आ जाता है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। क्या आपको भी मेरी तरह ये गाना याद आता है? आता है ना दोस्तों। खैर, ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में एक्टर राजशेखर विलन के रूप में दिखाई दे सकते हैं। सुनने में ये भी आया दोस्तों कि इस फिल्म की शूटिंग विलेज फॉरेस्ट में की गई थी एंड ऑलमोस्ट डन भी हो चुकी है, बस पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म इस साल यानी कि 2022 में दिसंबर के मंथ में रिलीज करने के काफी चांसेस हैं। एंड बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो फिल्म में एनटी रामाराव जूनियर और आलिया भट्ट के अलावा मंदावा साई कुमार को भी कास्ट किया जाएगा। और दोस्तों, एनटीआर 30 एक रोमांटिक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है एंड इस फिल्म को हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। अब इसी के साथ दोस्तों, मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप लोग बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। देखते रहिए बॉलीक्रात स्टूडियोज और हमारी आज ही राइटर हैं दीप नैन।